मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, और जब मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने हैसियत अनुसार काफ़ी ऊंचाइयों तक आया, फिर इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाया कभी, फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसा कुछ लाइफ का मेरी पार्ट रहा है। और जब प्रभु के चरण में आ जाते हैं या शरण में आ जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है। अब तो बस यही कामना है कि प्रभु सब कुछ करना लेकिन भक्ति ना छोड़ना। तो दीक्षित जी क्या करते हैं आप? जी मेरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, मैं सप्लायर। अच्छा, तो जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिला जी, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। हर प्रकार के संकटों को तो दूर करने वाले हनुमान जी ही हैं। है कि जैसे जब हम परेशान होते हैं या हमारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव होते हैं, हम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। अगर हम किसी से कहते हैं, मान के चलो मुझे आर्थिक कष्ट है, मैं किसी से कहूँगा तो ये ह्यूमन इस प्रकार का नेचर होता है कि आदमी को ये लगेगा कहीं यार हमसे कोई डिमांड ना कर, कुछ मांग ना ले। तो और जो हमारे अंदर जो भी भावनाएँ उमड़ती हैं, हम कहें तो किससे कहें। तो इसीलिए मुझे जो अपनी समझ में आता है कि इसीलिए ये सब स्थान है जहाँ पे हमने आके अपने मन की बात करी तो मेरा मन हल्का हो गया, और हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा ही होने लगता है, कुछ ना कुछ मन को शांति मिलती है और सब अच्छा हो जाता है। जब मैं मतलब ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद में जब मैं तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिशन में था, तो एक समय ऐसा आ गया था कि हर एग्ज़ाम मतलब छोटे छोटे अंतर से निकल रहे थे और बच के जा रहे थे, तो बहुत एक समय लगा था अंधेरा सा जीवन में। तो किसी ने हमें सलाह दी कि आप संकट मोचन को मतलब याद कीजिए, उस आपके विघ्न हरेंगे। और फिर मैंने याद करना स्टार्ट किया, हनुमान जी को मतलब माला जपते थे, और मतलब अपनी तैयारी तो चली रही थी, मेहनत थी सारी ही, लेकिन जब उनकी कृपा हुई ना तो एक साल में मेरे 4 पेपर निकले। तो उसके बाद में अभी तो हम गवर्नमेंट जॉब में, हमारी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में, सब कुछ है, और मतलब प्यारा सा बेबी है हमारा, यह हमारे सब कुछ है। हनुमान जी जो कुछ भी है हमारे पास सब उन्हीं का दिया हुआ है भैया, बहुत शक्ति है बजरंग बली बाबा में, सब कुछ जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है हमारा, बस दिल में बजरंग बली के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ भैया जो कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में पूरा सब हनुमान जी की ही कृपा से हो रहा है। बच्चा इतना निरस्त हो गया था बिल्कुल, वो भी उन्हीं की कृपा से, उसने एक साल में 4-4 पेपर, 3-3 पेपर निकाल दिए, अच्छी जॉब मिली उसको, 2-2, 3-3 जॉब का इकट्ठा ही ऑफर आया है, तो उन्हीं का चमत्कार, उन्हीं का है भैया, इनके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है इनकी बजरंग बली बाबा की, कह नहीं सकते क्या कहें, और कुछ है नहीं है। यहाँ आते हैं तो बस आंसू आते हैं और कुछ नहीं आता, इनके सामने आते हैं तो खुशी के आंसू आते हैं, अपने दिल में जो होता है उसके आंसू आते हैं और कुछ नहीं। बहुत अनुभव है, हमारी तो जीवन बहुत ही तकलीफ में था, और हनुमान जी से जो भी मांगते हैं सब पूरा होता है। एक साल पहले तो इतनी हालत ख़राब थी कि हम खड़े भी नहीं हो पाते थे, लेकिन हनुमान जी ने इतनी कृपा की, आज अपने आप से चल के आ रहे हैं और सब कुछ पाते हैं। जब भी कोई तकलीफ होती है सारे दुख हनुमान जी मेरे कष्ट हरते हैं, मेरे परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखे, बस यही। ये भक्ति जो है भाव की होती है, इससे कुछ नहीं पड़ता है कि आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, मेरा अपना मानना है। अगर आपने सच्चे मन से मानना है तो वो हमेशा आते हैं और हमेशा आपके कष्ट को हरते हैं। हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग कहते हैं लेडीज़ों को नहीं पढ़नी चाहिए, हनुमान जी के स्पर्श नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि आप सच्चे मन से मानते हैं तो भगवान के लिए सब बराबर हैं। ये दुनिया ने स्त्री पुरुष का अंतर रखा है, भगवान ने किसी को कुछ नहीं अंतर रखा है, इसलिए उनके लिए सब लोग एक बराबर हैं। हम तो बहुत बीमार थे, मतलब हम खड़े भी नहीं हो पाते थे, इतना हाल बुरा था, अपने हाथ आपसे चल नहीं पाते थे, बच्चे मेरा हाथ पकड़ा के चलाते थे, मतलब कुछ खड़े नहीं होके कर पाते थे। फिर हनुमान जी ने ही ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा हुआ बहुत बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था आईसीयू में एडमिट था, तब भी हम लोगों ने हनुमान जी से आके अरदास करी और आईसीयू से निकल आया और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मेरा बेटा 10 साल का हो गया है और यहीं से स्वस्थ हुआ है, इतनी बड़ी कृपा है हनुमान जी से, जो मांगे सब मिलता है। आप सच्चे मन से आइए, कोई भी कष्ट हो आपके सारे कष्ट हरेंगे, ये अपना विश्वास है और मैंने पाया है। धीरज भी रखें, और कुछ हम लोग की त्रुटियां होती हैं या मेरा मानना है कि कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिनकी वजह से वो कष्ट देर में कटते हैं, लेकिन कटते ज़रूर हैं,
जब भगवान की कृपा होती जरूर कटते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है कुछ हमारी गलतियों से, कुछ पिछले जन्मों के कर्मों से, लेकिन ये मान के चलिए कि हमें संतुष्टि मिलेगी, हर तरह से कृपा मिलेगी हनुमान जी की और सारे कष्ट कटेंगे।